हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी शॉर्टकट स्पेशल सीरीज़ का लेक्चर नंबर 5, जो बेस्ड होगा आपको पैराबोला की। मैंने एक लेक्चर पहले भी दिया है जिसमें मैंने आपको फोकस वगैरह निकालने सिखाए हैं, ठीक है। काफ़ी कुछ मैंने उसमें बताया है। यहाँ मैं आपको सिखाऊंगा कि किसी भी पैराबोला का आप एक्सिस कैसे निकाल सकते हैं, उसका वर्टेक्स कैसे निकाल सकते हैं, बहुत ईजिली कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। और किसी एक्सटीरियर पॉइंट से जो पैराबोला के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है, उन दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल आप कितनी ईजिली निकाल सकते हैं, और कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बहुत ईजी वे में हम इन सब क्वेश्चन को सीखेंगे। और आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर मैं कुछ आपको बेसिक चीज़ें भी बताऊंगा जो पूरे पैराबोला के अंदर आपकी हेल्प करेगी, ठीक है। आप ये मान के चले, पैराबोला के अंदर एक लेक्चर मैंने पहले दिया है शॉर्टकट सीरीज में, और एक ये, इन दो लेक्चर से 80% क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इससे समझ लीजिए कि आपकी शॉर्टकट सीरीज की इंपॉर्टेंस क्या है। मैं बहुत सारे कंसेप्ट शॉर्टकट वे में आपके साथ जो है ना डिस्कस करना चाहता हूँ, ताकि आप इन पर स्पेशली फोकस करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करके देखें, और आपका कॉन्फिडेंस बढ़े कि बड़े क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आपको दिखाई देते हैं वो कितनी ईजिली हम उनको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले देखो, आपको मैं सिखाता हूँ हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ एक्सिस एंड वर्टेक्स ऑफ ए गिवन पैराबोला। किसी भी पैराबोला का आपको एक्सिस निकालना है। जैसे कि मान लो, आपको पहले पता होना चाहिए कि मान लो ये राइट हैंडेड पैराबोला है, ठीक है। ये राइट हैंडेड पैराबोला है, अगर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आपको गिवन हो वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax, और ये लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है क्या होती है, वाई स्क्वेयर इक्वल टू -4ax। ये क्या है आपका, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, आप कहोगे इसका एक्सिस बोलते हैं, ठीक है ना। एक्स एक्सिस इज कॉल्ड दी एक्सिस। एक्सिस का मतलब ये एक ऐसी लाइन है जिसकी जो है ये सिमेट्रिकल है, द लाइन टू विच द पैराबोला इज सिमेट्रिक, ठीक है, वही क्या कहलाता है इसका एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का मतलब इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 0। लेकिन बच्चों, हमेशा y इक्वल टू 0 या फिर एक्स एक्सिस ही इसका एक्सिस नहीं होगा, ठीक है। कोई और लाइन भी जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो या जो y एक्सिस के पैरेलल हो, वो भी इस पैराबोला का एक्सिस हो सकती है, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। इसी तरह से मान लो आपका अपवर्ड पैराबोला है, आपका क्या है बच्चे, अपवर्ड पैराबोला है जिसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 4ay। और डाउनवर्ड पैराबोला है, इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है आपकी, ये क्या है, डाउनवर्ड पैराबोला, इसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू -4ay। तो ये जनरल इक्वेशन है, तो इसका एक्सिस क्या है, ये वाला एक्सिस है ना, कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ दिस पैराबोला एंड इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस इज x इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि y एक्सिस पे x की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0। तो y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू 0, और x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि x एक्सिस पे y की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लो आपके पास कोई भी पैराबोला है, मैं एक इक्वेशन आपको लेता हूँ क्वेश्चन से, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 3y प्लस 10। देखो, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस के 3y प्लस के 10। मान लो आपको एग्जाम में ये पैराबोला गिवन है, और आपसे कोई कहे कि इस पैराबोला का आप एक्सिस निकाल के बताओ, ठीक है, आपको क्या निकालना है, एक्सिस। तो आप बताओ, इसमें दो वेरिएबल है, एक्स और वाई, ठीक है। स्क्वेयर किसके ऊपर है, एक्स के ऊपर। एक्स के ऊपर क्या है, स्क्वेयर, यानी कि एक्स स्क्वेयर वाले टर्म यहाँ पे मौजूद है। तो आप इस इक्वेशन का एक्स की रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर दो, ठीक है। इसको क्या करो आप, डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पार्शली का मतलब मैंने आपको पहले बताया हुआ है क्या होता है, कि इसमें y को हम क्या है, एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करते हैं, ठीक है। आप मान लो ये फंक्शन f है, तो आप क्या निकाल लो, करली f बाई करली x निकाल लो, ठीक है। इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लो x की रिस्पेक्ट में, और उसको क्या पुट कर दो, 0। करली f बाई करली x निकाल के उसको 0 पुट कर दो, यही आपकी क्या है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस है। यही क्या है आपकी, इक्वेशन ऑफ एक्सिस है, बस क्वेश्चन खत्म। एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकाल के उसको 0 पुट कर दो, आपका आंसर आ गया, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालो, 2x माइनस 4, और ये 0 और ये 0, तो क्या होगा, इक्वल टू क्या पुट कर दो, 0। 2 को मन लेके कैंसिल कर दे, तो यही आपकी इक्वेशन ऑफ क्या आ गई, एक्सिस आ गई, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। या फिर इसको आप लिखो, x इज इक्वल टू 2, एक ही बात है। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकालने का देखो कितना बेहतरीन तरीका है, आप सीधा पार्शियल डेरिवेटिव करो, 0 पुट करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर y के ऊपर स्क्वेयर हो, मान लो y के ऊपर स्क्वेयर हो आपका, ठीक है, तो आप क्या करना, करली f बाई करली y निकालो, और उसको क्या पुट करो, 0। वही क्या होगी आपकी, इक्वेशन ऑफ
एक्सिस होगी, ठीक है, वही क्या होगी आपकी इक्वेशन ऑफ एक्सिस होगी, बस क्वेश्चन खत्म। तो ये इक्वेशन ऑफ एक्सिस किसी भी पैराबोला की निकालनी आ जाए तो बस यही आपको स्टेप रखना है याद, जिसके ऊपर स्क्वेयर हो, जिस वेरिएबल का स्क्वेयर हो उसकी रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर दो और उसको जीरो पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स निकालते हैं अब हम इसी पैराबोला का, एक्स स्क्वेयर माइनस फोर एक्स माइनस थ्री वाई प्लस टेन इक्वल टू जीरो, इसका क्या निकालना है आपको वर्टेक्स। आपको पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में जो पैराबोला होता है, मान लो ये पैराबोला है, ठीक है, उसका वर्टेक्स क्या होता है जीरो जीरो, लेकिन जब आपको शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का क्वेश्चन पेपर में आएगा तो उसका वर्टेक्स जीरो जीरो नहीं होता, कुछ क्या है शिफ्ट होके वर्टेक्स और बन जाएगा। तो इसका दो तरीके हैं, बेसिक मेथड भी मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिक मेथड क्या होता है। आप किसी भी पैराबोला की इक्वेशन को क्या है बच्चों, बेसिक मेथड से आप स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं, देखो x के ऊपर स्क्वेयर है तो स्क्वेयर वाली टर्म इधर रख लो, बाकी को क्या कर दो उधर शिफ्ट कर दो, ठीक है, इसको परफेक्ट स्क्वेयर बना लो। परफेक्ट स्क्वेयर कैसे बनाते हैं मैं बार बार नहीं बताऊंगा आपको, प्लस फोर कर दो इधर और प्लस फोर कर दो इधर, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका x माइनस टू का होल स्क्वेयर, यहाँ से y थ्री कॉमन ले लो और y प्लस में 14 बाय 3। तो ये आपकी इक्वेशन किस फॉर्म में आ गई, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 4ay, वेयर 4a कितना है आपका 3 और आपका कैपिटल x कितना है x माइनस टू और कैपिटल y कितना है आपका y प्लस 14 बाय 3, y प्लस में 14 बाय 3, ठीक है, ये आ गया आपका। देखो हमने कोई मिस्टेक तो नहीं करी, प्लस 3y और प्लस 10, ये मैंने गलती कर दी, यहाँ पे क्या आएगा आपका बच्चों माइनस 10, है ना। तो माइनस के 10 और प्लस के क्या करेंगे हम 4, तो कितना आएगा आपका माइनस का 6, तो ये कितना आ जाएगा आपका 3y माइनस के 6, तो यहाँ से हम 3 को मान लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका y माइनस 2, तो यहाँ पे ये क्या आएगा आपका y माइनस 2। तो वर्टेक्स आपका क्या होता है जनरल पैराबोला का, 0 0 होता है, लेकिन ये कैपिटल x और कैपिटल y की रिस्पेक्ट में है। तो कैपिटल x की वैल्यू क्या है बताओ आप मेरे को, x माइनस 2, और कैपिटल y की कितनी है y माइनस 2, तो यानी कि x माइनस 2 को 0 पुट करो और y माइनस 2 को 0 पुट करो, ठीक है। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा आपका 2 और y भी कितना आ जाएगा 2, यही आपका क्या होता है वर्टेक्स होता है, यही क्या होता है आपका वर्टेक्स। लेकिन आप सोचो इतने लेंथी मेथड से हम वर्टेक्स कैसे निकाल पाएंगे पेपर में, है ना, तो हमें तो चाहिए शॉर्ट फॉर्म। तो शॉर्टकट देखो इसका क्या है, डायरेक्ट वर्टेक्स निकालने का। अभी मैंने क्या कहा, ये क्या है x में स्क्वेयर है, ठीक है, तो आप क्या निकालो पार्शियल डेरिवेटिव निकालो x की रिस्पेक्ट में, 2x माइनस 4 और इसको 0 पुट करो, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, x की वैल्यू 2 आ गई। अब x की वैल्यू 2 इस इक्वेशन में पुट कर दो और अब y की वैल्यू निकाल लो, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, x को 2 पुट करो, x को 2 पुट करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, माइनस 3y को उधर शिफ्ट कर दो और ये कितना आ गया आपका 6 और वो कितना आ गया प्लस 3y, तो y कितना आ गया 2। जो x और y की वैल्यू आई है वही आपका क्या है बच्चों वर्टेक्स है, ठीक है। तो देखो कितना अच्छा मेथड मैंने आपको बताया वर्टेक्स निकालने का, बस दो तीन लाइन के अंदर क्या है सारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। एक्सिस ऑफ पैराबोला आप निकाल सकते हो, वर्टेक्स आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैंने तीन एग्जाम्पल इस पे लिए हैं, देखो मैं तीनों एग्जाम्पल आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एक्सिस एंड वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, पहले हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन सोल्व कर दिया है वो एज इट इज है, ठीक है। अब हम सेकंड की करते हैं, इसमें देखो x के ऊपर स्क्वायर है तो आप क्या निकालो, करली f by करली x कितना आएगा 6x माइनस 6 इक्वल टू 0, x कितना आ गया आपका 1 और यही आपकी क्या होती है बच्चों इक्वेशन ऑफ एक्सिस होती है, यही क्या होती है इक्वेशन ऑफ एक्सिस, क्वेश्चन खत्म। अब आपको क्या निकालना है वर्टेक्स, वर्टेक्स x इज इक्वल टू 1 तो आ ही गया, गिवन इक्वेशन में x को क्या पुट कर दो 1, पुट x इज इक्वल टू 1 इन गिवन इक्वेशन, इन गिवन इक्वेशन देखो इसमें पुट करो, x को 1 पुट करो, 3 माइनस 6 माइनस y प्लस 6 इक्वल टू 0, प्लस 6 से माइनस 6 कैंसिल तो 3 इक्वल टू क्या आ गया y, तो आपका वर्टेक्स क्या आ गया, जो तो x और y की वैल्यू आई है ना वही आपका क्या है वर्टेक्स, x कितना आया था आपका 1 और y कितना आया 3, आंसर आ गया आपका 1,3, यही आपका क्या है वर्टेक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी का थर्ड पार्ट ये करते हैं, यहाँ पे क्या है y के ऊपर स्क्वेयर है तो अब की बार आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे किसके रिस्पेक्ट में, y की रिस्पेक्ट में, तो कितना आ गया आपका 8y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो y कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 1/2, ये आपकी क्या आ गई इक्वेशन ऑफ एक्सिस। अगर इक्वेशन ऑफ एक्सिस एग्जाम में पूछ ली जाए तो क्वेश्चन खत्म, y इज इक्वल टू 1/2। अब आपसे पूछा है वर्टेक्स भी, तो वर्टेक्स क्या करोगे y को 1/2 पुट कर दो, पुट y इक्वल्स टू 1/2 इन गिवन इक्वेशन, जो भी आपको इक्वेशन गिवन है उसमें y जहाँ जहाँ नजर आता है उसको 1/2 लिख दो, तो बताओ क्या बन जाएगा 4, y का स्क्वायर यानी 1/4 माइनस 6x माइनस 4 इंटू वाई, वाई कितना आपका 1/2 इक्वल टू क्या है 5, सॉरी ये इक्वल टू 5 है आपकी बार, ठीक है ध्यान रखना इस चीज़ का। तो ये कितना आ गया 1 माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 5, तो ये माइनस 6x उधर भेज दो
और 1 में से 2 गया माइनस 1 और ये प्लस 5 है, इधर आ गया माइनस 5, तो 6x कितना आ गया माइनस 6, एक्स कितना आ गया माइनस 1। तो वर्टेक्स क्या होता है आपका x कोमा y, यानी माइनस 1 कोमा 1 बाय 2, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो अब मैं नहीं समझता कि आपको वर्टेक्स और इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकालने में कभी कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई भी पैराबोला हो इजिली आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो वही मैंने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपको और दिए हैं, ये देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ एक्सिस एंड वर्टेक्स। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं, ये है जैसे, तो आप चाहो तो क्या है इसको एक तरफ कर लो सारी इक्वेशन को, y माइनस 3x स्क्वायर माइनस के 12x माइनस के 12 इक्वल टू 0, प्लस के 12 सॉरी, ठीक है इक्वल टू 0, तो ये x के ऊपर स्क्वायर है, तो आप पार्शियल डेरिवेटिव निकालो x के रिस्पेक्ट में, कितना आ गया माइनस के 6x और माइनस के 12 इक्वल टू 0, x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी माइनस के 2, x आ गया माइनस 2, तो यही तो क्या होगी आपकी इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस आ गई आपकी x इक्वल टू माइनस 2। अब आपको क्या करना है, x को माइनस 2 पुट करना है इन गिवन इक्वेशन, जो भी इक्वेशन आपको गिवन है उसमें x को आप माइनस 2 पुट कर दो और y की वैल्यू निकाल लो। x को माइनस 2 पुट कर देना माइनस के 24 माइनस के 12, तो ये माइनस 12 प्लस 12 कट गए, ये आ गया, तो वर्टेक्स आपका क्या आ गया, वर्टेक्स आपका क्या आ गया माइनस 2 कोमा माइनस 24, यही आपका क्या है बच्चों वर्टेक्स है। ठीक है, देखो क्वेश्चन सारे एक जैसे हैं तो मैं सारे सोल्व नहीं करा रहा, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है, मैंने प्रैक्टिस के लिए ये सारे क्वेश्चन आपके लिए डाले हैं। ठीक है, तो आप पांचों क्वेश्चन की बहुत ईजिली प्रैक्टिस कर सकते हो, ये पांचों क्वेश्चन है ये है। अब देखो, अब मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ जो नेक्स्ट कंसेप्ट में यूज़ होने वाली है, बहुत ज़्यादा यूज़ होगी। हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर द गिवन पैराबोला इज राइट हैंडेड पैराबोला, लेफ्ट हैंडेड, अपवर्ड या डाउनवर्ड। आपको किसी भी पैराबोला की इक्वेशन गिवन है और आपको पहचानना है कि वो राइट हैंडेड है, लेफ्ट हैंडेड है, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। ठीक है, मैं आपको पहचान करनी बता देता हूँ बहुत ईजिली, जैसे मान लो मैं इस एग्जाम्पल से आपको पहचान करनी बता देता हूँ। ठीक है, हाउ टू आइडेंटिफाई राइट हैंडेड पैराबोला, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला। मैं इस एक क्वेश्चन से आपको सारे के सारे पैराबोला की पहचान करनी बता देता हूँ। देखो, आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, राइट हैंडेड पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4x, और लेफ्ट हैंडेड पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है वाई स्क्वेयर इक्वल टू माइनस 4x। यानी कि एक बात तो कन्फर्म होगी, अगर वाई स्क्वेयर वाली टर्म है तो वो क्या होगा, या तो राइट हैंडेड पैराबोला होगा और या आपका लेफ्ट हैंडेड पैराबोला होगा। इसी तरह से एक्स स्क्वायर की टर्म है तो या तो वो अपवर्ड पैराबोला होगा और या क्या होगा बच्चों डाउनवर्ड पैराबोला होगा। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ आ गई, वाई स्क्वायर की टर्म है तो राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड में से होगा, एक्स स्क्वायर की टर्म है तो अपवर्ड या डाउनवर्ड में से होगा। अब बात आती है राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड में से कौन सा होगा, या फिर अपवर्ड या डाउनवर्ड में से कौन सा होगा। ठीक है, वो हम स्पेसिफाई करेंगे। देखो फर्स्ट इक्वेशन देखो, 3x स्क्वायर प्लस के 12x माइनस के 12 और प्लस y है इधर आके माइनस y इक्वल टू क्या होगा 0, x के ऊपर स्क्वेयर है, x के ऊपर स्क्वेयर है तो मुझे बता दो आप ये क्या होगा, या तो अपवर्ड पैराबोला होगा या फिर क्या होगा डाउनवर्ड पैराबोला। इतनी सी बात तो हमारे को समझ आ गई कि या तो अपवर्ड पैराबोला है और या फिर क्या है डाउनवर्ड पैराबोला है। लेकिन अब हम स्पेसिफिकली जानना चाहते हैं कि अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। तो देखो x के ऊपर स्क्वेयर है तो x के अलावा दूसरा वेरिएबल क्या बच गया y, y यहाँ पे क्या है बताओ नेगेटिव है, y का कोफिशियंट क्या है नेगेटिव, अगर y का कोफिशियंट नेगेटिव है तो ये अपवर्ड पैराबोला हो जाएगा और y का कोफिशियंट अगर पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा डाउनवर्ड पैराबोला। यानी कि उल्टा समझ लो, नेगेटिव है तो अपवर्ड और पॉजिटिव है तो डाउनवर्ड, क्या कोफिशियंट ऑफ y, कोफिशियंट ऑफ y, और ये भी क्या है आपका कोफिशियंट ऑफ y। यानी कि जिस टर्म के ऊपर स्क्वेयर है उसके दूसरा वेरिएबल जो है उसका कोफिशियंट नेगेटिव होगा तो अपवर्ड और पॉजिटिव होगा तो डाउनवर्ड। ठीक है, ये सबसे बेस्ट ट्रिक है जो आपको कहीं नहीं मिलने वाली, मैंने आपको ये बताई है, तो इससे आप कोई भी क्वेश्चन को चेक कर सकते हो कि अपवर्ड पैराबोला है या फिर डाउनवर्ड। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करता हूँ, मान लो आपका ये क्वेश्चन है, यहाँ से हम ये क्वेश्चन लेते हैं, तो माइनस के इसको सारे को उधर ले जाओ, वाई माइनस है तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस, और ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा इक्वल टू जीरो। यहाँ पे देखो एक्स के ऊपर स्क्वायर है, एक्स के ऊपर स्क्वायर है तो ये क्या होगी, या तो डाउनवर्ड पैराबोला होगी और या फिर अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, अब देखो एक्स के ऊपर स्क्वायर है तो एक्स के अलावा दूसरा वेरिएबल क्या वाई, वाई का कोफिशियंट कितना 1, कोफिशियंट ऑफ वाई कितना है 1, विच इज़ पॉजिटिव, और मैंने कहा था पॉजिटिव होगा तो ये कौन सी पैराबोला होगी डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, अपवर्ड का डाउनवर्ड का दोनों एग्जांपल आपको समझ आ गए, अब देखो आप राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड का, राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड का हम कोई भी एग्जांपल फर्स्ट वाली स्क्रीन से उठा लेते हैं। ठीक है, ये है मान लो आपका ये वाला, तो यहाँ पे देखो वाई के ऊपर स्क्वेयर है, वाई के ऊपर स्क्वेयर है तो आपकी या तो ये राइट हैंडेड पैराबोला होगी या फिर लेफ्ट हैंडेड पैराबोला होगी। वाई के ऊपर स्क्वेयर है,
फोर वाई स्क्वेयर माइनस सिक्स एक्स माइनस फोर वाई इक्वल टू फाइव। वाई के ऊपर स्क्वेयर है तो दूसरा वेरिएबल क्या बच गया, एक्स। एक्स का कोफिशियंट यहाँ पे कितना, माइनस सिक्स। कोफिशियंट ऑफ एक्स कितना, माइनस सिक्स, विच इज नेगेटिव, विच इज़ नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो राइट हैंडेड पैराबोला, और अगर पॉजिटिव है तो आपका लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। जैसे अपवर्ड और डाउनवर्ड में y एक्सिस का जो y होता है वेरिएबल उसका कोफिशियंट देखते हैं, उल्टा रिलेशन है, नेगेटिव है तो अपवर्ड, पॉजिटिव है तो डाउनवर्ड। ऐसे इसमें नेगेटिव है तो राइट हैंडेड और पॉजिटिव है तो लेफ्ट हैंडेड। तो मैंने आपको पैराबोला की चारों पहचान करनी बता दी कि चारों पैराबोला में से गिवन इक्वेशन किस पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो हम क्वेश्चन, ये तो मैंने आपको कंसेप्ट अप करवा दिया, ठीक है। ये देखो अब आता है व्हाट इज एस। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस है कि एस क्या है। जैसे आपको पैराबोला की इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वेयर माइनस के फोर एक्स माइनस के थ्री वाई प्लस के टेन इक्वल टू जीरो। ये क्या है, आपको एक पैराबोला की इक्वेशन है। किसी भी इक्वेशन कॉनिक सेक्शन, सिर्फ पैराबोला ही नहीं, कॉनिक सेक्शन के अंदर किसी भी इक्वेशन को आप क्या नाम दे दो, एस नाम दे दो। किसी भी इक्वेशन को बच्चों क्या नाम दे दो, एस नाम दे दो, ठीक है। अब मान लो आपको कोई पॉइंट गिवन है दैट एक्स वन कोमा वाई वन बी एनी पॉइंट ऑन दिस पैराबोला। अब यहाँ पे पैराबोला का मेरा मतलब है कोई भी कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन हो, ये मैं जनरल कॉनिक की बात कर रहा हूँ, चाहे वो सर्कल की हो, चाहे पैराबोला हो, चाहे इलिप्स हो, चाहे हाइपरबोला हो, मैं किसी भी पर्टिकुलर कॉनिक सेक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल कॉनिक सेक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर तुम उस इक्वेशन को एस मान लेते हो और x1, y1, p इसको पॉइंट को नाम दे दो, कोई भी पॉइंट है उस कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन के ऊपर, ठीक है, उस कॉनिक के ऊपर कोई पॉइंट p है, तुम उस पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट कर दो, तुम उस पॉइंट को यानी कि x की जगह x1 पुट कर दो और y की जगह y1, तो देखो क्या आ जाएगा। यहाँ पे x1 का स्क्वायर माइनस 4x1 माइनस के 3y1 और प्लस के 10, तो ये आपका जो आएगा ये क्या आएगा, s1। s1 का मतलब s तो होती है गिवन इक्वेशन, और s1 क्या है, आपकी पॉइंट को पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को क्या बोलेंगे, s1। अब आप सोचोगे s1 है क्या, ये s1 कुछ नहीं है, सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है, ताकि मैं नेक्स्ट क्लासेज के अंदर जब आपको फॉर्मूले बताऊंगा कि t इज इक्वल टू s1 या कुछ भी, तो आप s1 का डायरेक्ट मतलब समझ पाओ कि ये s1 क्या था। क्या था s1, कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन में पॉइंट को पुट करने के बाद जो वैल्यू निकल के आती है। जैसे मान लो fx है, fx मान लो आपका है एक्स स्क्वेयर माइनस फोर, मैं f2 निकालूं तो ये 2 का स्क्वायर माइनस 4 यानी कि 0, तो जो ये वैल्यू आई है इसको हम क्या बोलते हैं, F2, यानी कि पॉइंट को पुट करने के बाद जो वैल्यू आई है। ऐसे ही पॉइंट को पुट करने के बाद यहाँ से कुछ कॉन्स्टेंट वैल्यू आएगी, ये वैल्यू क्या होगी आपकी, कोई कॉन्स्टेंट, क्योंकि ये जो पॉइंट होगा वो कैसा होगा, जैसे 2 कोमा 3 होगा, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट वैल्यू जो आएगी उस वैल्यू को हम हमेशा क्या बोलेंगे बच्चों, एस वन बोलेंगे, आप ध्यान रखना इस बात का, ठीक है, एस वन बोलेंगे उसको। अब देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट टू ए गिवन पैराबोला। आपको एक पैराबोला गिवन होगा और कहेगा कि एक एक्सटीरियर पॉइंट, वो पॉइंट भी आपको गिवन होगा और कहेगा इस पॉइंट से जो दो टेंजेंट ड्रॉ की गई है, जैसे मान लो ये पॉइंट है कोई भी पी, एक्स वन कोमा वाई वन, कोई पॉइंट है ये, ठीक है, एक्स वन कोमा वाई वन, यहाँ से आप जो है इस पैराबोला पे दो टेंजेंट ड्रॉ कर दो, यहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ कर दी। मान लेते हैं एक आपकी ये टेंजेंट है और एक आपकी ये टेंजेंट है, ठीक है, ऐसे दो टेंजेंट ड्रॉ कर दी, इनके बीच का एंगल, ये वाला एंगल मान लेते हैं, ये वाला एंगल कितना है अल्फा, तो अल्फा अगर एंगल है तो मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ डायरेक्ट, इस अल्फा की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं, टेंजेंट अल्फा इक्वल टू मॉडुलस, ठीक है, मॉडुलस का मतलब वैल्यू प्लस आए चाहे माइनस आए, हम पॉजिटिव लेंगे, क्यों, क्योंकि हम अक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं, अक्यूट एंगल हम निकालना चाहते हैं, तो इसका फॉर्मूला होगा अंडर रूट ऑफ एस वन। अब आप मेरे से बार बार मत पूछना कि S1 क्या है, अभी मैंने आपको बताया था ना, S1 का मतलब गिवन कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन में ये पॉइंट अगर आप पुट कर दोगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी उसी वैल्यू को क्या बोलते हैं, S1 बोलते हैं, ठीक है, बस आप इतना याद रख लो, S1 इज इक्वल अपॉन में, S1 अपॉन में X1 प्लस A, या प्लस माइनस लगा लो, X1 प्लस माइनस A। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये प्लस माइनस की जगह आप प्लस कब लोगे और माइनस कब लोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्लस कब लोगे और माइनस कब लोगे, ठीक है। देखो अगर आपका राइट हैंडेड पैराबोला है, अगर आपका राइट हैंडेड पैराबोला है, ये अपवर्ड पैराबोला है यानी कि जो पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, तो आप क्या लोगे,
प्लस ए लोगे। अगर आपका लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है या डाउनवर्ड पैराबोला है तो आप क्या लोगे, माइनस ए लोगे। ठीक है, और आप सोचोगे कि कैसे पता लगेगा लेफ्ट हैंडेड है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है। मैंने पिछली स्लाइड में चारों पैराबोला की पहचान आपको बताई है, वो आप बिल्कुल ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट हैंडेड पैराबोला अपवर्ड पैराबोला हो तो प्लस ए, लेफ्ट हैंडेड या डाउनवर्ड हो तो क्या लोगे आप, माइनस ए। ठीक है, अब बात आती है सिर्फ और सिर्फ किसकी, ए की, कि हाउ टू फाइंड ए, ए कैसे निकालें। क्योंकि देखो बाकी सारी चीज़ तो हमारे को पता लगी गया, पॉइंट क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, पॉइंट गिवन होगा तो हम उससे S1 निकाल लेंगे। X1 क्या होता है, ये वाला पॉइंट होता है, तो ये X1 हमारे को यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, बात रहेगी सिर्फ क्या, A कैसे निकालें, हम A कैसे निकालें। मैंने आपको शॉर्टकट सीरीज़ की, जो अपनी शॉर्टकट लेक्चर की सीरीज़ चल रही है, उसमें मैंने आपको बताया था लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, अगर आपने सारी फॉलो किए हैं लेक्चर तो मैंने आपको लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालना सिखाया था। वैसे तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, 4a। किसी भी जनरल पैराबोला का लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, 4a होता है। और वैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था क्या, जैसे एक्स स्क्वेयर माइनस के 3x माइनस के 4y और प्लस के 10 इक्वल टू 0। ये एक पैराबोला है, इससे आपके पूछ रहे कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या है। तो मैंने आपको क्या बताया था, x के ऊपर स्क्वेयर है, x के ऊपर स्क्वेयर है तो x के अलावा दूसरा वेरिएबल क्या है, y, y का कोफिशियंट कितना, माइनस 4 डिवाइड बाय एक्स स्क्वेयर का कोफिशियंट कितना, 1। तो ये लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितनी है इसकी, 4। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितनी है बच्चों, 4। तो 4a किसके इक्वल आ गई, 4k। तो यहाँ से a कितना आ गया, 1। तो a निकालना मुझे नहीं लगता कि आपके लिए काफ़ी मुश्किल काम होगा। ठीक है, बिल्कुल ईजिली आप a की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। a की वैल्यू आ गई, प्लस कब करना है, माइनस कब करना है, ये मैंने बता दिया। ठीक है, बस इसके अंदर एक फ़र्क और आएगा। ठीक है, और आप बस ये और नोट डाउन कर लो, मैं एक साथ इसलिए नहीं बता रहा था कि आप कंफ्यूज हो जाओ। ये ठीक है, यहाँ पे x1 भी आ सकता है और यहाँ पे y1 भी आ सकता है। अब मैं बताता हूँ कब x1 आएगा और कब y1 आएगा। देखो, मैंने एक सीरीज़ के अंदर आपको सब चीज़ें बताई है। s1 कैसे निकालना मैंने बता दिया आपको, a को कब प्लस करना कब माइनस करना ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे x1 आएगा कि y1 आएगा ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर राइट हैंडेड पैराबोला हो या लेफ्ट हैंडेड पैराबोला हो तो x1 आएगा, अगर अपवर्ड पैराबोला हो या डाउनवर्ड पैराबोला हो तो y बनाएगा। ठीक है, बस खत्म, यही सारी चीज़ें थी। इतनी चीज़ें सीखने के बाद आपके बहुत सारे क्वेश्चंस अब सोल्व हो जाने वाले हैं बिल्कुल ईजिली। ठीक है, देखो काफ़ी अलग अलग तरह के दिखने वाले क्वेश्चंस को मैं एक ही तरीके से आपको अब सोल्व करके दिखाता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको एक पॉइंट दे रखा है, टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द पैराबोला दिस, इफ़ अल्फा बी द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट देन टेन अल्फा। हमारे को क्या निकालनी है, टेन अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे बताओ टेन अल्फा क्या होता था, टेन अल्फा, पहले तो सबसे पहले मुझे ये बताओ ये पैराबोला कौन सा है, क्योंकि पैराबोला की पहचान करनी जरूरी है। ठीक है ना, ये तो क्लियर दिख रहा है मेरे को, क्या है ये, राइट हैंडेड पैराबोला। तो राइट हैंडेड पैराबोला है तो एक तो अपने को पता लग गया कि x1 लेंगे हम नीचे फॉर्मूले में। ठीक है, दूसरा हम क्या लेंगे, x1 के अलावा a को क्या लेंगे, प्लस, क्योंकि मैंने बताया था राइट हैंडेड पैराबोला या अपवर्ड पैराबोला में प्लस a लेंगे और बाकी क्या लेंगे, माइनस a। अब ये बताओ इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, 4ax होती है ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो यहाँ पे 4a कितना आ गया, 4, तो a कितना आ गया, 1। तो a आपको निकालना आना चाहिए, a कितना आ गया आपका, 1। तो बताओ टेन अल्फा की वैल्यू क्या होती है, मॉडुलस ऑफ अंडर रूट एस वन अपॉन एक्स वन प्लस में ए, ये होती थी। अब वैल्यू पुट करो, एस वन निकालो, एस वन का मतलब क्या होता है, जैसे एस मान लो वाई स्क्वेयर और इसको इधर ले आओ माइनस का 4x। ठीक है, अब एस वन क्या होगी, पॉइंट पुट कर दो, पॉइंट कितना, माइनस टू को माइनस वन, वाई की जगह क्या पुट करो, माइनस वन, एक्स की जगह कितना पुट करो, माइनस टू, कितना आ गया, 1 प्लस में 8 कितना आ गया आपका, 9। तो ये आपका कितना आ गया, 9, अंडर रूट 9 आ गया। नीचे एक्स वन, एक्स वन कितना है, ये पॉइंट होता है एक्स वन कोमा वाई वन, तो एक्स वन कितना, माइनस टू, प्लस ए, ए कितना, 1। तो देखो आ गया आपका आंसर, रूट 9 कितना होता है, 3, नीचे माइनस 1 लेकिन मोर दस को लेंगे तो प्लस 1। तो टेन अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3, और आपसे क्या पूछा था, टेन अल्फा, तो टेन अल्फा कितना आ गया, 3। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहेगा। अभी मैं 5-6 क्वेश्चन कराऊंगा, आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एज इट इज क्वेश्चन है, बस वहाँ पे मैंने पैराबोला की जनरल इक्वेशन यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ले ली थी, यहाँ मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं ली। ठीक है, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए क्वेश्चन की। ये पॉइंट दे रखा है, पॉइंट क्या होता है हमारा एक्स वन कोमा वाई वन, ये पैराबोला है। अब मुझे बताओ, सबसे पहले आप ए निकालो यहाँ से, है ना, सबसे पहले आप क्या निकालोगे, ए, और ए कैसे निकालते हैं, ए कैसे निकालते हैं आप बताओ मेरे को। पहले निकालेंगे लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है, 4a, वाई के ऊपर स्क्वेयर है तो x का कोफिशियंट माइनस 6 अपॉन 4 यानी कि 3 बाई 2। तो a कितना आ गया यहाँ से आपका, 3 बाई 8 आ गया,
ए कितना आ गया आपका 3/8, ठीक है। अब मैं कहता हूँ ये पहचान करो कि ये पैराबोला कौन सा है, ठीक है। आप कहोगे वाई के ऊपर स्क्वेयर है, तो ये तो या तो क्या है, वाई के ऊपर स्क्वेयर होता है तो या तो ये राइट हैंडेड होता है, और या फिर क्या होता है आपका लेफ्ट हैंडेड पैराबोला होता है। और मैंने क्या बताया था, एक्स का कोफिशियंट क्या है, नेगेटिव है, तो ये क्या है, राइट हैंडेड पैराबोला। तो कन्फर्म हो गया कि ये क्या है, राइट हैंडेड पैराबोला। तो अब क्या निकाल लो आप, एस वन। एस वन कैसे निकालते हैं, इस गिवन इक्वेशन में एक्स वाई की जगह ये पॉइंट पुट कर दो, ठीक है। पुट करो 4 × y, y की जगह 1 यानी कि 4, माइनस 6 एक्स की जगह 2, माइनस 4 वाई की जगह 1 प्लस 16, तो कितना आ गया, 4 से माइनस 4 कट जाएगा, 16 में से 12 गए 4। एस वन कितना आ गया आपका 4। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, टेन अल्फा क्या होता है बताओ, अंडर रूट ऑफ रूट एस वन डिवाइड बाय, अच्छा राइट हैंडेड पैराबोला है, राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड होता है तो क्या लेते हैं एक्स वन, राइट हैंडेड है तो क्या लेंगे प्लस का ए। एस वन, एस वन कितना, रूट फोर, और फोर का अंडर रूट कितना होता है 2, फोर का अंडर रूट बच्चों कितना होता है 2, और नीचे आपका क्या आ जाएगा एक्स वन, एक्स वन कितना 2, और प्लस में ए, ए कितना आपका 3/8, ए कितना 3/8, सोल्व कर लो, सारा पॉजिटिव है तो मॉडुलस हटा दो, ठीक है। नीचे कितना आ जाएगा 19/8 आ जाएगा क्या, 19/8, 8 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ गया आपका 16/19, आंसर कितना आ गया 16/19। कैसा भी क्वेश्चन हो, कितना भी मुश्किल, आप कंसेप्ट पे बने रहो, जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है बिल्कुल 100% बताई है, कुछ भी नहीं छोड़ा, ठीक है। तो सब कुछ, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको सोल्व कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें फिर वही एंगल निकालना है आपको, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस वन टू द पैराबोला दिस वन। ये क्या आपका स्टैंडर्ड पैराबोला है, x² = y, ये कौन सा पैराबोला है आपका, अपवर्ड पैराबोला। क्या है अपवर्ड पैराबोला, ए निकाल लो। अपवर्ड पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, जनरल ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो 4a की वैल्यू यहाँ से कितनी आपकी 1, a कितना आ गया आपका 1/4, a कितना आ गया 1/4, और अपवर्ड पैराबोला है तो a को क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे, ठीक है। a को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और अब मेरे को बताओ s1 की वैल्यू, s1 क्या होता है, इस इक्वेशन में x और y की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, y माइनस एक्स स्क्वेयर। तो y की जगह क्या पुट करो, माइनस का 2, और माइनस x, x की जगह 0, तो कितना आ गया माइनस का 2, मतलब क्या ले लो इसकी पॉजिटिव वैल्यू ले लो, क्यों, क्योंकि s1 को अपने को स्क्वेयर रूट के अंदर रखना होता है, ठीक है ना। तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आप ले लिया करो, क्या आ गया आपका प्लस का 2। तो बताओ फॉर्मूला क्या होता है, टेन अल्फा, टेन अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एस वन। अच्छा अब की बार अपवर्ड पैराबोला है, मैंने बताया था अपवर्ड या डाउनवर्ड होगा तो क्या लेंगे वाई वन, और अपवर्ड है तो क्या लेंगे प्लस का ए। बस क्वेश्चन खत्म, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। ये कितना है 2 यानी कि अंडर रूट 2, वाई वन, वाई वन कितना आपका, वाई वन देखो कितना माइनस 2, और क्या रहेगा आपका ए, ए कितना 1/4, और पूरे के ऊपर क्या लगा दो मॉडुलस, क्यों, क्योंकि वैल्यू नेगेटिव आने वाली है, ठीक है। तो ये बताओ मेरे को 1/4 में से 2 माइनस करो तो कितना आ गया आपका -7/4 आ गया, -7/4 को मैं हटा दिया मैंने, है ना, माइनस हटा दिया, तो कितना आ गया 4√2/7। आपको क्या निकालना है, एंगल, तो ये टेन अल्फा है तो अल्फा कितना आएगा आपका बताओ, टेन इनवर्स 4√2/7। इससे आसान मेथड आपको किसी बुक में किसी वीडियो के अंदर नहीं मिलेगा, मैंने बहुत ये काफ़ी सारे इसके ऊपर वर्कआउट करके और फिर मैंने ये सारे के सारे पॉइंट बनाए हैं ताकि हर क्वेश्चन को सोल्व किया जा सके, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन का आंसर भी गलत नहीं आएगा और किसी भी क्वेश्चन को आप सोल्व कर दोगे। आप फिर वही निकालोगे, एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द पैराबोला दिस, सेम क्वेश्चन है, y² = 4x, ये कौन सी पैराबोला है, राइट हैंडेड पैराबोला है, राइट हैंडेड पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, y² = 4ax। तो 4a की वैल्यू यहाँ से 4, a की वैल्यू कितनी आ गई 1, पहले आप क्या निकाला करो a, क्योंकि a जरूरी है, ठीक है। राइट हैंडेड पैराबोला है तो a को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है, a को क्या करेंगे प्लस। अब क्या निकाल लो आप, s1, s1 कैसे निकालते हैं, इस इक्वेशन के अंदर आप पॉइंट पुट कर दो कितना 1/4, यानी y की जगह 4 और x की जगह 1, तो कितना आ गया आपका ये 12, ये कितना आ गया बच्चों आपका 12 आ गया, ठीक है, 12 आ गया। तो अब आप वैल्यू पुट कर दो, टेन अल्फा की वैल्यू क्या होती है मेरे को बताओ, अंडर रूट ऑफ एस वन अपॉन, अच्छा राइट हैंडेड पैराबोला है तो क्या लेंगे एक्स वन और प्लस में ए, तो देखो कितना आ गया आपका रूट ट्वेल्व, क्योंकि एस वन कितना आपका 12, नीचे एक्स वन प्लस ए, एक्स वन कितना होता है ये 1 प्लस ए, ए कितना, ए भी कितना 1, कितना आंसर आ गया बताओ मेरे को, रूट ट्वेल्व को क्या लिख सकते हैं, 2√3 लिख सकते हैं, नीचे 2 से 2 कट गया कितना आ गया √3 को लिख दूं मैं 1060, अल्फा कितना आ गया 60 डिग्री, और 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे क्या आएगा π/3, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका π/3, ठीक है, ये π/6 है तो ये π/3 आपका आंसर आ जाएगा। एक ही फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ मैं, सभी क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाऊंगा आपको सिर्फ उसी फॉर्मूला से, बिल्कुल एज इट इज ये क्वेश्चन है, एंगल निकालना है आपको, ये पॉइंट दे रखा है, ये इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से ये राइट हैंडेड पैराबोला है, राइट हैंडेड पैराबोला की जनरल फॉर्म होती है y² = 4ax, 4a कितना आ गया 8, ए कितना आ गया आपका यहाँ से 2, ए आ गया 2, ठीक है। राइट हैंडेड है तो ए को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। एस वन निकाल लो, एस वन क्या होती है,
इस इक्वेशन में वाई स्क्वेयर माइनस एट एक्स में पॉइंट पुट कर दो ये वाला, तो y की वैल्यू कितनी 2, 2 का स्क्वेयर 4 माइनस 8, x की वैल्यू कितनी माइनस 1, तो ये कितना आ गया आपका 12, ये कितना आ गया 12। तो बताओ फॉर्मूला क्या होता है, tan अल्फा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ अंडर रूट एस वन डिवाइड बाय, राइट हैंडेड है तो x1 लेंगे और प्लस में a लेंगे, ये कितना आ गया आपका रूट 12 और डिवाइड बाय x1, x1 कितना माइनस 1 प्लस a, a कितना 2, ये कितना 2, तो 2 में से बन गया 1, तो कितना आंसर आ गया रूट 12। अल्फा निकालना है क्योंकि आपको एंगल निकालना है ना, तो एंगल कितना होता है अल्फा, टेन इनवर्स रूट 12 ही आपका इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, ठीक है ये आ जाएगा आपका। अब ये देखो वही क्वेश्चन सेम, फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू द पैराबोला दिस, तो यहाँ से ये फिर राइट हैंडेड पैराबोला है, मैं दोबारा इसको सोल्व नहीं करूँगा, ए कितना आ जाएगा डायरेक्ट इसका 4 और एस वन क्या आ जाएगा आपका वाई स्क्वेयर माइनस में 16x, वाई की वैल्यू माइनस 3, माइनस 3 का स्क्वेयर 9, माइनस 16, एक्स की वैल्यू ये है ना, तो ये कितना आ गया 16 चुके 64, ये कितना आ गया आपको मिस्टेक करी क्या, माइनस 4 माइनस 3 तो आपका ये आ गया, हाँ ठीक है, तो ये कितना आ गया 9 प्लस में 64 यानी कि 73, ये कितना आ गया आपका 73। अब आप देखो राइट हैंडेड पैराबोला है, टेन अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है मेरे को बताओ, टेन अल्फा होता है रूट ऑफ एस वन अपॉन, राइट हैंडेड है तो एक्स वन लेंगे प्लस में ए लेंगे है ना, अब देखो ऊपर से कुछ भी हो रूट 73 आपका है ना, एक्स वन, एक्स वन कितना माइनस 4 प्लस ए, ए कितना 4, मेरे को बताओ नीचे जीरो आ गई, नीचे जीरो आ गई तो इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी क्या होता है 10 पाई बाय 2, तो अल्फा कितना आ गया आपका पाई बाय 2, अल्फा कितना आ गया आपका पाई बाय 2, इसका मतलब ये दोनों टेंजेंट आपस में क्या है बच्चों परपेंडिकुलर है, ठीक है दोनों टेन के बीच का एंगल कितना है 90 का मतलब क्या है दोनों टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है दोनों टेन आपस में क्या है बच्चों परपेंडिकुलर है। तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं और आपको तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा, एक्सिस ऑफ पैराबोला निकालना, वर्टेक्स निकालना और एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स निकालना, ठीक है ना, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट, ठीक है मैंने ये सारे कंसेप्ट आपको काफ़ी सारे एग्जांपल के साथ सिखाए और सबकी मैंने शॉर्टकट आपको बताया है, ठीक है ना, ताकि एग्जाम में आने वाले किसी भी क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकें। मैं ये जितने भी क्वेश्चन सिलेक्ट करता हूँ मैं बहुत अच्छी वेबसाइट से और बुक से प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालाइज करने के बाद सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है ये नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन मैं अपनी मर्जी से बनाता हूँ या उसमें जो फिगर्स है मैं वो इजी डालता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे हम शॉर्टकट लेक्चर की सीरीज में लेक्चर नंबर 6 के साथ, ठीक है तब तक पढ़ते रहिए, गुड बाय।